गौरव हुए लॉकअप से लॉकआउट, वेल किस बेसिस पे हुआ एविक्शन, चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशव एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, जहाँ चार्जशीट में नाम दाखिल था, बहुत सारे 10 कंटेस्टेंट्स का नाम दरअसल ये दाखिल था, जिसमें से करणवीर बोहरा, पायल रोहतगी और साथ ही अली मोचन भी थे। अब जनता के वोट्स के हिसाब से देखा जाए तो करणवीर बोहरा जो है वो इविक्ट हो चुके हैं, यानी कि लॉकअप से लॉकआउट हो चुके हैं। वेल मैं आपको बता दूं कि जहां पर करण कुंद्रा आए थे लॉकअप में, और लॉकअप में आकर उन्होंने जो है वोट्स बताए थे, जहां पर पायल रोहतगी, अली मोचेंट और साथ ही करणवीर बोहरा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ये तीनों जो थे इनके वोट्स बताए गए जो कि बॉटम में थे। दरअसल यहाँ पर करणवीर बोहरा के जो वोट्स थे वो थे 23,997 वोट्स। जी हाँ, ये जनता का डिसीजन था, जनता के वोट्स थे। और हाल फिलहाल अगर बात करें पायल रोहतगी की, तो 29,484 वोट्स जो हैं वो पायल रोहतगी को मिले थे। वहीं अली मर्चेंट के वोट्स ने सभी को चौंका दिया, जहां पर ये प्रेडिक्शन की जा रही थी कि इस हफ्ते जो है अली मर्चेंट जो है वो लॉकअप से लॉकआउट हो सकते हैं। लेकिन अली मोचन के जिस तरीके से वोट्स आए, जनता ने जिस तरीके से अली मोचन को सपोर्ट किया, वो वाकई में जो है चौंका देने वाला था। दरअसल मैं आपको बता दूं कि कितने वोट्स अली मोचन को मिले हैं, 70,066 वोट्स जो हैं वो अली मोचन को मिले हैं, और जिसके चलते अली मोचन सेफ हो गए। वेल इसी के बाद बात करें तो पायल रोहतगी भी सेफ नजर आई, और ये दोनों जब लॉकअप के अंदर इन दोनों ने एंट्री ली तो कॉन्टेस्टेंट्स भी खुश हो गए इन लोगों को देखकर। वहीं शिवम जो है, शिवम शर्मा, वो ये देखकर काफी ज्यादा दुखी हुए कि उनके दोस्त करणवीर बोहरा जो है वो लॉकआउट हो गए। वेल वो काफी ज्यादा फिर से इमोशनल होते हुए नजर आए। दरअसल ये दूसरी बार करणवीर बोहरा जो है वो लॉकअप से लॉकआउट हुए हैं। जानना चाहूंगी मैं आपके रिएक्शन, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बॉलीवुड टेलीविजन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।